बड़ी बात है कि अपने पेरेंट्स को मैसेज दे सकते हैं कि हेलमेट लगाएं, उससे उनकी जिंदगी की सुरक्षा है। गाड़ियों के कागज साथ में रखें। गाड़ियों पे मैं देखता हूँ अक्सर टू व्हीलर पे नंबर नहीं लिखाए होते हैं, नंबर लिखवाएं ताकि वाहन भी आपका सुरक्षित रहे, ट्रैफिक पुलिस या पुलिस परेशान नहीं करे, कहीं कोई समस्या नहीं हो। और अगर आपके पेरेंट्स कोई अगर शराब या ये इस तरह का नशा करता है तो उनको समझाएं कि कम से कम शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, उससे दुर्घटना हो सकती है, उनकी जान जा सकती है, या वो किसी को अगर कहीं हिट करते हैं, टक्कर लगती है तो किसी और की जान जा सकती है, फिर पुलिस केस होता है, मुकदमेबाजी होती है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको भी ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे समाज में कैंसर से उतने लोग नहीं मरते हैं, हार्ट अटैक से उतने लोग नहीं मरते हैं जितने दुर्घटना में मरते हैं। आप लोग दुर्घटनाएं कम हो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर बार पुलिस प्रशासन यातायात हम सब मिलकर एक सप्ताह का आयोजन करते हैं, इसे सड़क सुरक्षा सप्ताह कहते हैं। हेलमेट जिसके सिर में है वो चाहे कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन उस आदमी का प्राण नहीं गया, इसलिए हेलमेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैं तो आप बच्चों से या खड़े लोगों उन सबसे अनुरोध करूँगा, आपके परिवार में जो टू व्हीलर व्हीकल लेके रवाना हुए उन लोगों को आप बगैर हेलमेट के घर से बाहर निकलना ही मत। आप घर के अंदर उनको सुगंध दे दो, जो भी अपना आस्था धर्म प्रतीक जो भी दूसरों इष्ट को मानते हो उनको ये बाबा।